बीती रात साइबर सेल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रेलवे कॉलोनी स्थित मकान पर दबिश देकर यहां से भाजपा पार्षद सहित 5 लोगों को क्रिकेट का सट्टा खाते गिरफ्तार किया। पकड़ाए गए बदमाशों से करोड़ों के हिसाब किताब के 3 रजिस्टर सहित मोबाइल, टीवी और नकदी बरामद हुई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। वहीं नीलगंगा थाने में आरोपियों को VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जहां आरोपी सोफे और कुर्सी पर बैठकर आराम फरमा रहे हैं। उज्जैन साइबर सेल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए नीलगंगा स्थित रेलवे कॉलोनी मकबरे के पास स्थित शहजाद के मकान से भाजपा पार्षद को IPL का सट्टा खाते पकड़ा। साथ ही अन्य आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में आए। देर रात हुई कार्रवाई के बाद साइबर पुलिस ने सभी आरोपियों को नीलगंगा थाने में हिरासत में भेजा था, जहां सुबह अलग ही नजारा देखने को मिला। थाने में भाजपा पार्षद और उसके अन्य आरोपी साथी यूपी बिहार के गुंडाराज की तर्ज पर पुलिस कर्मियों की कुर्सी सहित सोफे पर आराम फरमाते हुए नजर आए, जिसे देखकर कानून व्यवस्था का मजाक उड़ना कहना सही होगा। सभी आरोपी थाने में ऐसे आराम फरमा रहे थे जैसे अपने ऐशगाह में आराम फरमा रहे हैं। थाना पुलिस भी इनकी चाटुकारिता में लगी हुई थी। गौरतलब है कि पुलिस ने बीती रात कार्रवाई करते हुए टीम ने उक्त मकान की घेराबंदी की और घर में प्रवेश किया तो यहां अब्दुल खलील उर्फ शब्बू पिता अब्दुल लतीफ निवासी बेगमबाग टीवी के सामने बैठकर IPL मैच में सनराइजर हैदराबाद और खिलाड़ियों पर सट्टा लगाते हुए रजिस्टर में एंट्री कर रहा था, जबकि अजीम पिता सलीम निवासी नलियाबाखन, अरबाज उर्फ अल्तमस पिता नासिर खान निवासी रामप्रसाद भार्गव, भाजपा पार्षद फारूक उर्फ राजू पिता मोहम्मद हुसैन निवासी बेगमबाग अपने अपने मोबाइल पर सट्टे के दाव लगा रहे थे। IPL का सट्टा भी पकड़ा है और करीब 6 लोग पकड़ाए हैं। कार्रवाई अभी जारी है। उनके पास से मोबाइल और करोड़ों के सट्टा पर्ची मिली है, तो भी हिसाब होना। इसमें 10 मोबाइल मिले हैं जो लाइन पे काम कर रहे थे। इसके अलावा कुछ दूसरे मोबाइल्स भी हैं, तो अभी उस बारे में जांच की जा रही है। अभी सबके नाम और ये नोट हो रहे हैं, जो भी स्थिति होगी वो सामने आ जाए। रेलवे कॉलोनी जो है वहाँ पर एक गैरेज बना है। गैरेज के आड़ में पर्दा लगाया गया था और वहाँ अंदर एक कमरे में